देखा जाए यदि संयोग से आपके जीवन में कोई दुर्घटना घट गई तो इसमें आपका तो कोई दोष नहीं होता है, इसलिए आप ना तो स्वयं को दोषी समझें और ना ही किसी को ऐसा समझने दें। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपको भी समाज में पूरे सम्मान से जीने का अधिकार है। हमारा संविधान, सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और समाज के लाखों संवेदनशील लोग आपके साथ खड़े हैं। अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है, शिक्षा के प्रसार और जागरूकता के बढ़ने से लोगों का नजरिया भी अब पहले जैसा नहीं है, कानून और न्यायालय भी आपके साथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2011 से आपके हक में आवाज बुलंद की है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्था आपके भरण पोषण से लेकर उपचार की व्यवस्था में जुटी हुई है। यहाँ उपस्थित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। अनेक व्यक्ति, सामाजिक संस्थाएं और संगठन भी सहायता के लिए आगे आए हैं। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी आप सभी माताओं और बहनों के जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी घोषित की है। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वृंदावन में निराश्रित एवं बेसहारा माताओं के लिए कृष्ण कुटीर का निर्माण किया गया। अब कृष्ण कुटीर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर सहयोग इस कार्य में प्राप्त हो रहा है। वृंदावन की निराश्रित माताओं बहनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मासिक पेंशन की व्यवस्था भी की गई। मुझे बताया गया है कि हमारी माताओं की समुचित देखभाल केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर कर रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी टीम के प्रयासों की भरपूर सराहना करता हूं। उत्तर प्रदेश में जून के प्रथम सप्ताह में मेरा 4 दिन का प्रोग्राम लगा था, उसमें मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे, राज्यपाल महोदया थी, और जब यहाँ का कार्यक्रम बनने के बारे में मैंने चर्चा की मुख्यमंत्री जी से तो उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि जो भी तारीख आप तय करेंगे उस तारीख को हम वृंदावन चलने के लिए तैयार हैं और अपनी माताओं से मिलेंगे, उनका दुख दर्द सुनेंगे और जितनी उनकी पीड़ा को हम कम कर सकते हैं वो करने के लिए हम अग्रसर होंगे। देवी और सज्जनों, कृष्ण कुटीर जैसे आश्रय स्थल का निर्माण एक बहुत सराहनीय पहल है, परंतु मैं इससे भी आगे की बात कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि समाज में इस प्रकार के आश्रय गृहों के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। हम एक ऐसा माहौल बनाएं, समाज में इतनी जागरूकता लाएं और यही प्रयास हो हम सबका कि इन निराश्रित महिलाओं के पुनर्विवाह, आर्थिक स्वावलंबन, पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी, सामाजिक और नैतिक अधिकारों की रक्षा जैसे उपाय किए जाएं और इन उपायों के माध्यम से हमारी माताओं बहनों में स्वावलंबन और स्वाभिमान को बढ़ावा दिया जाए।